आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं फिर हम बात करते हैं गुरुग्राम की उस जगह के बारे में जहां हर हफ्ते हर जुमे के दिन हर फ्राइडे के दिन कुछ लोग नमाज अदा करते हैं। आज जुमा है, आज भी नमाज अदा होनी थी, लेकिन इस बार भगवा गुंडों को कोई मौका नहीं मिला तो 26 नवंबर का बहाना बनाकर वहां पर हवन करने बैठ गए। क्योंकि आज 26 नवंबर है और हम लोग मुंबई में जो अटैक हुआ था उसकी याद में लोग जगह जगह आज इस दिन को याद करते हैं, क्योंकि ये एक दिन एक तरह से भारतीय इतिहास में बहुत बुरा दिन बीता था। हमारे काफी सारे लोग मारे गए थे, हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उसकी याद में देश आज इस दिन को याद भी करता है। लेकिन ये जो गुंडे हैं, ये भगवा गुंडे हैं जिन्हें नफरत फैलाने का मौका चाहिए, क्योंकि जब दिवाली चल रही थी तो ये लोग गोवर्धन के नाम पर वहां पर पूजा करने बैठ गए। उसके बाद अगले हफ्ते जब इन्हें कोई मौका नहीं मिला तो वहां पर गोबर फेंकना शुरू कर दिया। आज जब इन्हें कुछ मिला नहीं तो उन्होंने देखा कि राष्ट्रवाद के नाम पे क्यों ना इस दिन की आड़ में फिर से अपना नफरती एजेंडा चला जाए। तो ये लोग इस दिन का हवाला देकर कि हम लोग अलग अलग जगह पूजा करते थे, हवन करते थे, और आज हमें इस जगह करने का मौका मिल रहा है। हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन सबको बताया कि इरादा क्या है। आज भी कुछ ऐसा ही मैं वहां देखने को मिला, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। क्योंकि सेक्टर 37 में जो जगह नमाज के लिए दी गई है, ये उस जगह को हर हफ्ते टारगेट करके कुछ ना कुछ अपना एजेंडा चलाते हैं जिससे वो लोग वहां पर नमाज ना पढ़ सके। इनको खुदा की इबादत से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि अंधे हो चुके हैं और कोई ना कोई बहाना लगातार बनाते रहते हैं। आज क्या हुआ मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको जगह बता देता हूं जिस जगह वो मौजूद है। ये जगह जो दी गई है सेक्टर 37 का पुलिस स्टेशन है, उसके पास में ही सरकारी जगह लोगों को नमाज पढ़ने के लिए दी गई है। 10 मिनट की नमाज होती है, हर हफ्ते के दिन आते हैं, रोज नहीं होती, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वहां पर नमाज पढ़ने आते हैं। तो आज यहां पर जो आसपास के कई सारे गांव थे जिसमें मोहम्मदपुर, झारसा, खांडसा, नरसिंहपुर और खटोला गांव के कई सारे स्थानीय लोग, ये लोग वहां पर पहुंचे और इन्होंने हवन किया। जिसकी जिस भीड़ की जो अगुवाई कर रहे थे वहां का कोई व्यापारी बताया जा रहा है जिसका नाम अवनीश राघव है। इस पर उसने ये कहा है कि हमने मुंबई आतंकी हमलों में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये हवन करने का फैसला किया है और हम ऐसा हर साल करते हैं। इससे पहले हमने कई सारे गाँव में मोहम्मदपुर और नरसिंहपुर में पूजा करते थे, अब हम यहाँ खांडसा में कर रहे हैं। हमने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि हमारे पास इस गांव में कहीं और जगह नहीं है। देखिए इनका बेतुके जो ये तर्क दे रहे हैं वो जरा सुनने लायक हैं और इससे नमाज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक औद्योगिक क्षेत्र केंद्र है और लोगों को यहाँ सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सड़कों पर कौन पढ़ रहा है, एक जगह दी गई है, सरकारी जगह है, ये कहते हैं सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब एक जगह है वहां पर प्रशासन ही तो देश को चलाता है, सरकारी तो देश चलाती है, सरकार जो कहते हैं प्रशासन वही करता है। प्रशासन ने जब जगह दी गई है इन लोगों को वो भा नहीं रही है। जैसे आज के टाइम में किसान बिल मोदी जी वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये नफरती चिंटू जो हर बात में मोदी जी का पोस्टर रोड पे लगा देते थे, वो इस बार किसान बिल वापसी पर कोई पोस्टर लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके मुंह पर कालिक पुछ चुकी है। ये प्रशासन के भी समझाने से नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि थूक के चाटना पड़ेगा। इनके कई सारे बेतुके तर्क होते हैं जो हर बार देते हैं कि नमाज पढ़ने से हमारी जो धी बेटी है उनको परेशानी होती है, उन पर कटाक्ष किए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं। अरे भाई, जब कोई इबादत करने जाता है वो बुराई से दूर रखने की वहाँ पर उनको हिदायत दी जाती है, बढ़ावा नहीं दिया जाता, बुराई से दूर रहना सिखाया जाता है। नमाज इसलिए पढ़ता है इंसान ताकि अच्छा बने, लेकिन इनको लगता है कि मुसलमान जो भी कुछ कर रहा है वो आज के टाइम में इनके लिए खतरा है। इसके अलावा इस पूरी भीड़ में पुराने वाले जितने संगठन थे उनके लगभग आधी से ज़्यादा भीड़ मौजूद थी, क्योंकि इस भीड़ का पहली जो अगुवाई कर रहे थे वो थे भारत माता युवा वाहिनी के अध्यक्ष दिनेश भारती, वो भी इसमें फिर से शामिल हुए। इस बार इन्होंने अवनीश राघव उसको आगे कर दिया और हवाला दे दिया कि हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो वहां पर लोग शहीद हुए थे 26/11 को, यानी कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पे जो हमला हुआ था उसकी याद में हम लोग ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन लोगों को। तो राष्ट्रवाद के नाम पर एक और तर्क दे दिया गया, लेकिन प्रशासन भी समझता है और जनता भी समझती है कि भैया ये आप लोग एजेंडा क्या चला रहे हैं। खैर, इस हफ्ते भी इन्हें विवाद करना था, इन्होंने किया, नमाज में खलल डालनी थी डाली, लेकिन भैया इबादत कोई कहीं भी कर सकता है, आप लोग उसे रोक नहीं सकते। एक जगह पर आप ताला लगा सकते हैं लेकिन किसी के दिलों पर ताला नहीं लगा सकते। देखते हैं अब ये मामला आगे कितना टिकेगा। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।